जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है टेक्नीशियन सी पोस्ट पे। उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाला है, कौन से स्टेट के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, क्या ये भर्ती जो है ऑल इंडिया रहने वाली सभी स्टेट के लिए, तो जो है सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे जो है आईटीआई से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते रहते हैं, तो एक बार चैनल पे विजिट करिए। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये जो है अभी बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है इसमें 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 7 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल की 3, मैकेनिकल की 12 पोस्ट रहने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं आईटीआई कैंडिडेट के लिए, वो जो है आपको क्लियर कर दें, ये टेक्नीशियन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। आप जो है 10th प्लस जो है आईटीआई प्लस जो है 1 ईयर की आपकी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड के लिए ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 12 पोस्ट और इलेक्ट्रिकल की 2, फिटर की 10 पोस्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट की बात करें अनरिजर्व और उसके ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी में बना रखी हैं पोस्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें तो 5 पोस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए रहने वाली हैं, ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। आगे बात कर लेते हैं फिटर कैंडिडेट के लिए, फिटर में जो है जनरल के लिए 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। आपकी सैलरी की बात करें, आपकी 21,500 रुपये सैलरी रहने वाली है। ये जो है क्योंकि परमानेंट जॉब रहने वाली, ये सारी चीज़ होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की, एज लिमिट जो है आपकी 18 साल से 28 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली। आपकी जो है मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। कैंडिडेट जो है इंडियन सिटीजन का होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल, एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है तो एसटी के लिए नहीं दिया गया है कितने साल की छूट, और जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल की छूट मिलेगी जो हैंडीकैप होते हैं, डिसबिलिटी होती है उनके लिए। आगे बात कर लेते हैं कि जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, ये सारी चीज़ें आपके पूछे जाएंगे। टेक्नीशियन बी पोस्ट आपको पता ही, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और उसके बाद जो है फिटर के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि जो है इसमें फीस कितनी लगने वाली है। फीस आपको पता है कि 250 रुपये इसमें फीस लगने वाली है, प्लस जो है 18% जो है जीएसटी आपकी अप्लीकेशन फीस में इंक्लूड होगी। लगभग जो है आपको 295 रुपये टोटल पे करने पड़ेंगे, ये जो है आपको ध्यान देना है। बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है यूपी के कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई करेंगे केवल, अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। अलग अलग जो है स्टेट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ऑफिस होता है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका पोर्टल भी रहता है और उसके बाद जो है ज़िले में एक ऑफिस रहता है, वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये जो है केवल यूपी के लिए है, तो यूपी के जितने भी ज़िले, 75 ज़िले हैं, उसमें से जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है 150 नंबर का जो है रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और उसके बाद जो है टेक्निकल एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान देना है। क्वालिफाइंग मार्क में जो है बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मार्क होने चाहिए, जिसमें जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल एप्टीट्यूड में दोनों में 35% मार्क होने चाहिए। एससी कैंडिडेट और उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी के लिए 30% मार्क होने चाहिए दोनों में, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड यानी जनरल एप्टीट्यूड पार्ट वन हो गया, टेक्निकल एप्टीट्यूड ये पार्ट टू हो गया। आपका एडमिट कार्ड जो है जल्द आपके जो है मेल आईडी या जो है जारी हो जाएगा एनसीएल के थ्रू, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है आपका फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है नेक्स्ट वीडियो वैसे बना देंगे आपको, ये जो है अप्लाई करने का लिंक नीचे डाल देंगे, वहाँ पे जो है क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। www.bhel
और india.in, इस पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 8 से जो है 8 जनवरी से फॉर्म फिल करना अप्लाई हो गया है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद जो अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे जो है जितनी भी वैकेंसी आती हैं, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबकी जो है हम अपडेट करते रहते हैं आपको। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और उसके बाद टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये होता है कि आने वाले टाइम में जितनी भी वैकेंसी रहती हैं तो हम वहाँ पे ग्रुप में अप्लाई करने का लिंक ये डालते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।